तो मैं मिस्टर बसंत कुमार, तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ होंडा SP 125 सीसी का इंजन का है। ये नया मॉडल है, इसको निकले हुए करीबन 2-3 साल हो गया, लेकिन अभी मार्केट में अभी इतना स्टॉक कर 125 सीसी का है भाई। और ये अभी मार्केट में ये भी रनिंग गाड़ी है। थोड़ा कैमरामैन आगे आने से थोड़ा कोशिश करें, हमारा जो है सब्सक्राइबर उनको दिखाना चाहता हूँ। और अभी इसका इंजन की बात करूँ तो इसका खड़ा इंजन है और बहुत ही झटके के साथ ये बाइक पकड़ता है, इसका स्पीड जो है। और दूसरी बाइक की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतर, क्योंकि ये भी है 125 का है। ये देखिए SP 125 CC, ये भी इंजन है 125 CC, ये भी बाइक का इंजन है। और 125 CC ये भी इंजन है, पर ये ओल्ड मॉडल हो गया अभी तो। मैंने जब लिया था ये हीरो कंपनी का है, तो मैं जब लिया था तभी टाइम पे ये गाड़ी रनिंग में नहीं था, मतलब मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं था। मेरे को लिए हुए करीबन 3 साल हो गया जब मेरे, ये मेरा दोस्त का गाड़ी है। और अभी ये नया लिया था रिसेंटली, तो इसका अभी नंबर प्लेट भी नहीं आया। ये देखिए नंबर प्लेट भी नहीं आया, और इसमें डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और अभी मार्केट में ज़्यादातर पसंद यही गाड़ी बाइक कर रहे हैं, और मेरे 2-3 दोस्त लोग सभी लोगों ने यही गाड़ी लिया। ये देखिए इसका डिस्क ब्रेक है, काफ़ी अच्छा बेहतर फीचर है। और डिस्क ब्रेक बोलूँ तो 3.5 mm का है। और इसमें जो है ये मॉडल, ये थोड़ा उससे थोड़ा ये पहले आया था ये मार्केट में, तो इसमें डिस्क ब्रेक फीचर नहीं दिया गया है। इस बाइक में आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम नहीं है, हालांकि वो मेरे वाले में डिस्क ब्रेक सिस्टम है इसमें। ग्लैमर में जब भी लिया था तब मैंने पसंद करके लिया था, डिस्क ब्रेक वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसके कंपेयर में, इस बाइक के कंपेयर में इसको कंपेयर करें तो ये ओल्ड मॉडल आ जाता है, और इतना बेहतर ये मतलब गाड़ी इसके मुकाबले में उतना बेहतर उठा नहीं पाता है, जिससे एक गियर हो जाता है टॉप गियर फर्स्ट गियर में, तो इतना बेहतर ये ग्लैमर जो बाइक है देख सकते हो आप लोग, ये उसके मुकाबले में इतनी जल्दी नहीं उठा पाता है। और हालांकि अभी ये नया फीचर है, नया मॉडल है, कंपनी भी अलग अलग है, तो ज़्यादा बेटर अभी ज़्यादातर लोग यही बाइक ले रहे हैं ये वाला। और मैं रिकमेंड भी करूँगा आप लोगों को, आप भी जब अगर पसंद करते हो तो यही होंडा का ही लेना, काफ़ी बेहतर मॉडल है। और इसका तेल का बात करें, तेल की टंकी का, तो ये करीबन 15 लीटर का आता है, 10 लीटर का आता है, और मेरे में भी शायद 12 लीटर का जो मेरा बाइक है इसमें भी 10 लीटर का टंकी है। और इसका बात करें तो मीटर का, तो डिजिटल मीटर है, मीटर दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन, तो ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है इसमें। ये देखिए ये वाला भी, इसी में भी डिजिटल मीटर है, दोनों सेम ही लगभग फीचर है, लेकिन थोड़ा सा मॉडल चेंज हुआ है इसमें। और इसका स्विच की बात करें तो ये बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाता है, मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ एक बार आप लोग, गियर पे गाड़ी गियर थोड़ा, इसका आवाज़ काफ़ी मेरे को ज़्यादा बेहतर फील होता है, बहुत ही साइलेंट आवाज़ है। भी बताता है डिजिटल मीटर है, वो गियर निंटल सारा फीचर बताता है, फ्यूल बता देता है, इसमें कितने किलोमीटर चला हुआ है वो बहुत ही आसानी से बता देता है इसमें। और अभी निंटल है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बताता है, निंटल का डबल सिग्नल है, हालांकि हर बाइक में निंटल का सिग्नल देता है, लेकिन इसमें डिजिटल साइनिंग जो आता है, और इसका सर्विस का भी वो इंडिकेट कर रहा है, जब भी मतलब सर्विस का टाइम हो जाता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी ये टाइमिंग बता देता है कि अब सर्विस का टाइम हो गया। तो बात करें तो इस बाइक में भी वही सिस्टम दिया गया है। अरे बंद कर यार, आज के लोग अच्छा लगे आप लोग तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अभी अगर आप लोग लेना चाहोगे तो यही मॉडल लीजिएगा गाड़ी पूरा इंटेक नहीं का। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।